पहली बार पापा की आंखें नम होते देखा है। अपनी माँ को जिंदगी में इतना खुश पहली बार देखा है। काश ये वक्त यहीं थम जाता, क्योंकि दो दो चमत्कार होते आज देखा है। मौका था मम्मी पापा के 34वीं शादी की सालगिरह का, और हमारे शहर में सिविल टाउनशिप में मौजूद तमरिन स्काई रेस्टोर में हम सबके लिए एक सरप्राइज इंतजार कर रहा था। हमारे शहर के एक पोस इलाके में इतनी ऊंचाई में रूफ टॉप में पहली बार हमारा कोई सेलिब्रेशन हो रहा था, जिसके लिए हम बहुत एक्साइटेड थे। इसका पूरा श्रेय जाता है तमरिन स्काई रेस्टोर की पूरी टीम को, जिन्होंने हमारे लिए सरप्राइज प्लान किया था। अबे आके खोला ये। ओ माय गॉड, ये जो फर्स्ट टाइम का रिएक्शन है नंबर 1। पहली बार मम्मी कैसे हंसते देख रहा हूँ मैं। मम्मी बहुत खुश है एक्चुअली। मम्मी पापा के एक्सप्रेशन से तो ये जाहिर हो गया था कि आज का ये मोमेंट उनके जिंदगी के सुनहरे पलों में से एक हो गया है। और कुछ देर के लिए हम दोनों ने इस जोड़ी को अकेले छोड़ दिया, ताकि वो अपनी पुरानी यादें ताजा कर ले। दोस्तों, जितनी खुशी मम्मी पापा को हो रही थी, उतना ही ज्यादा इमोशनल हम लोग फील कर रहे थे, क्योंकि इस मोमेंट की खूबसूरती आप सिर्फ फील कर सकते हो, इसे शब्दों में आप बयां कभी नहीं कर सकते। भाई, जिन जिन लोगों को लगता है ना कि ब्लॉगिंग इजी है, देख लो बिल्कुल इजी नहीं है। किस किस एंगल से हमें शूट करना पड़ता है। अरे लड़की, अरे लड़की हटना यार। क्या भैया, इतने बड़े ब्लॉगर हो, पैरों के नीचे से शूट नहीं कर सकते क्या? अरे पागल, हटना रे यार, क्यों मजाक कर रही है? हट जाती हूँ भैया। लो मैं फिर आ गई। अंकल आंटी ये लीजिए गिफ्ट, बहुत मेहनत से चुरा के लाई। अरे क्या बात है बेटा, प्राउड ऑफ। अंकल ये लीजिए फूल लाए। बेटा सच बताना, ये तूने बाजू के गमले से उठा के लाया है ना? अंकल आपको पता चल गया? अंकल ये लीजिए गिफ्ट हमारे तरफ से। आई होप इसमें दोनों ने कुछ महंगा सामान दिया होगा। हाँ पापा, आपके लिए लूंगी है। चलो चलो, गिफ्ट खोलने का टाइम आ गया, देखते हैं इसके अंदर क्या है। अरे ये क्या, फटे पुराने कागज पेपर। अरे इनका क्या करूं मैं? अरे अंकल वो नहीं है, नीचे देखिए गिफ्ट है। पापा ये लीजिए आप दोनों को हमारे तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट, 51 रुपए हमारे तरफ से। 51? ओहो बेटा, इतना मेहनत क्यों किया? इससे अच्छा रास्ते में कहीं चाय पानी ही पिला देता। चलो अब जिस काम के लिए एक्चुअली आए हैं हम वो करते हैं। हाँ भैया बिल्कुल सही बोले। चलो मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे मैडम सब खा जाओगे क्या? एक चम्मच मेरे लिए भी छोड़ो ना। अरे यार कंफ्यूज हो गई हूँ यार, क्या खाऊं क्या नहीं। भाई मैं तो घर से मन बना के ही आई थी कि मैं तो चिकन चिल्ली ही खाऊंगी। गाइस मेरे भी थोड़ा फेस देख लो। लो आप बस एक चम्मच ही खाओ। अरे कैसी बीबी हो यार तुम। हाँ ऐसी ही बीबी हूँ मैं। ए चल तुमसे बात करना ही बेकार है। ज्यादा चिल्लाओ मत वरना चम्मच। अरे तुम तो गुंडागर्दी पे उतर आई, लोग देख रहे हैं क्या बोलेंगे।